ओके सो इन द थर्ड वन वी हैव ड्रिंक क्लीन वाटर. टोटल थ्री वर्ड थ्री वर्ड्स एंड वन मेन वर्ब. हर हेयर. इन दिस वी हैव हेयर ब्राउन एंड द कलर. थ्री वर्ड्स इन एंड इज इज द हेल्पिंग वर्ब. इज हेल्पिंग वर्ब. इन इज प्रपोजिशन एंड द हर इज हेल्पिंग मेन वर्ब हेयर. ओके सो लाइक दिस आप सोच लो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं अगर वर्ड्स रीड करने बोले कि एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स वो सीधा पढ़ते हैं. वन टू थ्री फोर नॉट. ए इज अ लेटर हेयर. एज यू कैन सी ए इज अ सिंगल लेटर हेयर. सो ए इज आर्टिकल हेयर नॉट अ वर्ड. वर्ड मीन्स क्या हो गया ग्रुप. ग्रुप ऑफ लेटर्स सी एल ई एन जैसे हो गया. ये क्या हुआ टोटल वन टू थ्री फोर फाइव लेटर्स मिलकर एक वर्ड बना क्लेम. ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट. नो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर वर्ड एंड द प्रॉपर सेंटेंस. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बी. रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड कलर द बॉक्सेज डैट हैव सेंटेंसेज. ओके रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड कलर द बॉक्सेज डैट हैव सेंटेंसेज. आई थिंक यू गैस कैन डू दिस. वी हैव टोटल फोर सेंटेंसेज and in this we have four box with four sentence and the first in the first we have Mehul is carrying a bag. Second mein bag carrying is Mehul. Meena slowly and Meena walks slowly. Means we have to choose which is the right sentence and which is not. So in the first we have Mehul is carrying a bag and the second is bag carrying is a Mehul. So the first one is correct. Mehul is carrying a bag. So you guys have to color the first box. Now we have third and fourth. Meena slowly and the Meena walks slowly. So in the second form we have in the second sentence we have the fourth number one. Number fourth is correct. Okay, Meena slowly. It doesn't get a meaning. We don't get a meaning. But Meena walks slowly. Haan, Meena dheere chalti. It's a proper sentence. So you have to fill the four number with color. So the first and the fourth one you have to color them. Now we have types of sentences. First one is statement. Okay, types of sentences yahan pe hai padhna hai to chaliye padhte hain. So first is statement. Types of sentences. So the first one is statements. Okay, look at this sentence. Okay, so the first is we have two sentences and we have to look at them. Grass is green, the cat is on the mat. Okay, statements. Okay, most of the sentences we have in a statement form. मतलब कि जब कोई कुछ बोलता है. ओके स्टेटमेंट मतलब क्या होता है जब कोई कुछ बोलता है एक प्रॉपर लाइन जो कि किसी के थ्रू बोला गया उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि हाँ उसने ये स्टेटमेंट दिया. एंड दिस सेंटेंसेस स्टेट समथिंग. लुक एट दिस सेंटेंस. ग्रास इज ग्रीन. And the cat is on the mat. हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस में है फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट. सेंटेंस भी बहुत तरह के होते हैं उसी में से पहला टाइप है स्टेटमेंट टाइप. इसमें हम उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो किसी के थ्रू बोला गया है और कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है. तो जैसे कि यहाँ पे है ग्रास इज ग्रीन घास हरी है एंड द कैट इज़ ऑन द मैट.
और यहाँ पे जो बिल्ली है वो चटाई पर है. सो लुक एट दिस, व्हाट आर दे? दे आर स्टेटमेंट्स. दिस सेंटेंसेस स्टेट्स समथिंग. ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, वो किसी चीज़ के बारे में बता रहे. ग्रास इज ग्रीन. यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रास जो है वो हरा है. तो ये कोई बता रहा है कि जो यहाँ पे ग्रास है वो हरा है, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ के स्टेट के बारे में बताया जा रहा है. द कैट इज़ ऑन द मैट. यहाँ पे बताया जा रहा है जो कैट है वो मैट पर है, यानी यहाँ पे कैट के स्टेट को बताया जा रहा है. यहाँ पे ग्रास के स्टेट को बताया जा रहा है कि घास है जो हरी है, बिल्ली है जो मैट पर है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ अ सेंटेंस, ओके, स्टेटमेंट. Now in this we have a sentence that states something is called a statement, and a statement ends with a full stop. Okay, a sentence that states something, वैसा सेंटेंस जो कि बताता है किसी भी चीज़ के स्टेट के बारे में, ओके, वो कैसा है, कहाँ पर क्या है, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस. और ये जो है वो हमेशा ख़त्म होता है फुल स्टॉप से. इट मीन्स इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ बात हो रही है, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन मार्क से भी ख़त्म होता है. इसलिए सो स्टेटमेंट बोलो या अफर्मेटिव बोलो, बात एक है. अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ओके. सो स्टेटमेंट इज इन अदर वर्ड वी कैन से अफर्मेटिव. Number I will write the definition. A sentence types of sentence. Number first, a statement. Okay, a sentence, a word, a sentence that states something is called statement. So, a statement ends with a full stop. A statement ends with a full stop. This is the sign of a full stop, okay. So we have to know, okay, first of all we have understand that what is sentence and how can we write them, how can start sentence with a capital letter ends with a full stop, and how can we get a proper meaning. Then we have to know what kind of sentence and types of sentence we have. So generally we have so many types, but according to your class we have this type of sentence. First one is a statement, okay. So in the statement, a statement form, we always got to know something about the state of a thing, okay. In the statement form, we always get to know about the something of state of a something in a sentence form, okay. A sentence that states something, वैसा सेंटेंस जो कि कुछ बताता है, हम उसे स्टेटमेंट कहते हैं. और ये हमेशा फुल किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से, ओके. यहाँ पे कुछ पूछता नहीं है, यहाँ पे बताता है. स्टेटमेंट में क्या होता है? बताता है, इसलिए ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड हो जाता है. अब हम बात करेंगे कि अब पूछता भी है. स्टेटमेंट में सेंटेंस सिर्फ में
सेंटेंस में सिर्फ बताते ही नहीं है, अब दूसरा टाइप है पूछने वाला। हम लोग का दिस वीडियो वी गॉट टू नो अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ अ सेंटेंस विच इज स्टेटमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टोल्ड यू गाइज अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन। वैसे सेंटेंस जिसमें कि कुछ पूछा जा रहा है और जो कि हमेशा एंड वेथ होता है उससे क्वेश्चन मार्क्स है। सो आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर ए फ्रॉम द पेज नंबर 5 एज अ होमवर्क। एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर विच आई विल give you in the group. Okay, so that is enough for today's video. Till then, take care and be safe at home. Thank you, have a nice day. If you like my videos, please like and subscribe to my channel. Okay.